हेलो जी, गुड इवनिंग। और भाई, आज काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। आज मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों के जो फ्लावर आते हैं उनकी पौध बनाऊंगी। अभी तो आज ग्रो कर रही हूँ इनको और उसके बाद इनकी शिफ्टिंग करेंगे। तो देखते हैं, आपने देखा भी होगा मेरी पुरानी जो वीडियोज़ हैं उनमें फ्लावर जो हैं कितने सारे हो जाते हैं सर्दियों में, कितने प्यारे प्यारे कई वराइटीज़ में होते हैं। तो ये मैं भी जो है अभी तो लगभग 8-9 वराइटीज़ हैं, तो ये मैं आज ग्रो करने जा रही हूँ। तो और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी पहले ही ग्रो करने से पहले कि क्या है कि हाँ, जो नेचर लवर्स होते हैं और जगह भी काफ़ी नहीं होती उनके यहाँ पे, तो लटकन में या छोटे जो गमले होते हैं उनमें पौधे लगाते हैं, तो सर्दियों के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। इनको देख के सर्दियों में जब हम बाहर बालकनी में बैठे हों तो कितना अच्छा लगता है हमें। तो उनके लिए बेस्ट आइडिया है कि हम अपने घर पे ही पहले इनको ग्रो करें, क्योंकि जब हम इनको लेते हैं ये लगभग हमें दिवाली के आसपास मिल जाते हैं, तो उस टाइम इनकी कीमत होती कम से कम 50 रुपीज़ वो हमारे को लगाते हैं नर्सरी वाले। तो इस तरह से अगर हम देखें, हमने 20 फ्लावर भी लेने हैं तो हमें काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। और 20 क्या, आप लोगों ने देखा होगा मेरे तो इतनी सारी ये जो लटकन्स हैं कम से कम मैं 50-60 जो है खरीद करके लाती हूँ, और जिसकी मुझे लगभग कीमत पड़ती है 1500 से 2000 के आसपास, कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं क्योंकि लग नहीं पाते हैं वो और सूख जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो इसलिए जो है मुझे काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। तो अब मैं कुछ टाइम से क्या करती हूँ, इनके जो है पौध बना लेती हूँ और पौध बना करके फिर इनको मैं अपने डाइन में लटकन्स में लगा देती हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ इनके सीड्स, लेके आई हूँ अलग अलग वराइटीज़ के फ्लावर के। तो ये अब हम ग्रो करेंगे और इन सीड से फिर हम क्या बनाएंगे, पौध बनेंगे। पौध बनाने के बाद फिर हम इनको शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने का और ग्रो होने की जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। आज सिर्फ हम बनाएंगे इनको कि हमें कैसे ग्रो करना है, इसके लिए कैसे मिट्टी लें और अपने घर पे ही आप किस तरह से इनको लगा सकते हैं। आ जाइए, इसके लिए मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली है जो बाज़ार से हमें लेनी पड़े। हमारे घर में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसी का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक वेस्ट मटेरियल दिखाती हूँ अपना, ये है। इसमें मैं मिट्टी भर के और इसमें भी मैं ग्रो करूँगी। तो ये जैसे इनको हम फेंक देते हैं तो इस टाइम ये हमें यूज़ हो जाती है, फेंकनी तो है क्यों ना, हम इसको यूज़ करके फेंकें। इसी तरह से अपने ये है इनमें, और इनमें मैंने होल कर लिए, ठीक है। ये है जैसे इस तरह की, हमारे पास कई बार ये चीज़ें आ जाती हैं तो इनको इकट्ठा करके रख लें, फेंक के ना। फिर दूसरे अपने ये हैं जो मिट्टी के सकोरे होते हैं जैसे, तो इनमें भी मैंने बना लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कितनी कितनी मिट्टी लेनी है। ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो इसमें हमें सारा खाद मिट्टी नहीं भरना, नीचे के स्पेस में अगर आपके घर में पड़ी है तो नीचे के स्पेस में हम नॉर्मल मिट्टी भर लेंगे। और इसके लिए हम बनाएंगे, अब मिट्टी तैयार करेंगे। तो ये मिट्टी जो है, ये मेरी बारिश आई हुई है, बारिश की वजह से थोड़ा गीली सी हो गई है, तो ये नॉर्मल मिट्टी है अपनी, ठीक है। इसमें थोड़ी सी अपनी काउडंग भी मिली हुई है, तो ये मिट्टी हो गई है लगभग 40% हम ये ले लेंगे। और इसके साथ 20% हमने कोकोपीट ले लिया है, और 20% हमने ये ले लिया है वर्मी कंपोस्ट, और लगभग 20% ये है अपना रिवर सैंड है, ठीक है ना, जिसको हम बोल देते रेती, ठीक है ना, वो ले लिया। तो इस तरह से हम इस सारे जो तीनों चारों मटेरियल हमने लिए हैं इनको मिक्स कर लेंगे। हमें मिट्टी ज़्यादा नहीं रखनी है, मतलब उसमें क्या है कि क्योंकि बीज जल्दी ग्रो नहीं हो पाएगा, तो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट जो है वो इसको जल्दी से ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ये अपना सोयल मिक्स बन गया है, इसको मैं अभी इन सभी पोट में डालूंगी और डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको करना है। ये है भाई, इसमें मैंने पहले नीचे नॉर्मल मिट्टी भर ली है, ठीक है, और इसमें हमने छेद भी कर देने हैं, नीचे छेद कर दिए हैं मैंने, वो मैंने शायद आपको नहीं दिखाए। और उसके बाद इसको अच्छे से थपकी दे देंगे ताकि नीचे से इसकी जितनी भी हवा है वो निकल जाए, या मिट्टी जो है अच्छे से भर जाए ताकि पानी वानी नीचे से ना निकल जाए। उसके बाद अब इसमें मैं जो अपना सोयल मिक्स किया है मैंने वो वाला मटेरियल डाल दूँगी, क्योंकि अगर वो हम सारा इसमें डालते तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो इस तरह से इसमें हम वो सोयल मिक्स जो किया है सारा ही वो डाल लेंगे। ये हो गया। हाँ जी, और ये भी मैंने इनके ऊपर नंबर डाल दिए हैं। इन रैपर्स को मैं फेंकूंगी भी नहीं, रख लूँगी ताकि मुझे ये ध्यान रहे कि कौन से में मैंने किस टाइप के जो है सीड उगाए हैं। तो ये मैंने सब पे नंबरिंग डाल दी है, देखो। और इन पे भी जो मैंने ये नीचे मटेरियल तैयार करके डिब्बे बनाए हैं, इन डिब्बों में भी मैं अपना पहचान कर दूंगी कि कौन से में मैंने किस टाइप के लगाए हैं, ताकि जब मुझे ये दूसरे में शिफ्ट करने हैं जब ये उग जाएंगे तो मेरे लिए ईजी रहेगा कि किस में किस टाइप के फ्लावर हैं, ठीक है।
ये भाई मैंने कर लिया है सोयल मिक्स करके और इसमें डाल दिया है। इसके बाद एक बार थोड़ा सा ना इसको क्या करेंगे, गीला कर लेंगे, नमी देने के लिए मिट्टी को अच्छे से गीला करेंगे। और इसके लिए मैंने आपको दिखाया ही था कि मैंने ये नंबरिंग डाल ली है। वैसे तो कहने को यूँ कहोगे कि जी फूली हैं, हर जगह जो है फूली खिलेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा यूँ पता चल जाएगा कि हमने कौन सी उसमें जो लटकन वगैरह होती हैं, कई बार हम वो देख के भी डालते कि भी कौन सी लटकन में किस तरह का फूल लगाएंगे, तो उससे हमें आइडिया रह जाता है कि इसमें हमने इस तरह का फूल लगाया था, तो ये फूल हम यहाँ पर ग्रो करेंगे। और ये मैं इन्हीं के साथ ही लगा दूंगी, एक इसका पार्ट अपने पास रख लूंगी और एक पार्ट में इसके साथ लगा दूंगी, जैसे जिस पोर्शन में मैंने 5 नंबर लगाया है, ग्रो किया है, उसी जैसे मैंने ये यहाँ पे क्या कर दिया, एक नंबर लगाया इसमें, तो मैंने एक नंबर लगा दिया इसके ऊपर। 5 नंबर वाले जो है हमारे पास इस तरह के बीज निकले हैं, ठीक है। तो ये भी जो है थोड़े छोटे में ही हम लगा सकते हैं इनको, तो इसमें लगा देंगे हम। ये थोड़ा मोटा है भाई, तो इनको हम चाहें तो अलग अलग इस तरह से रख करके भी बना सकते हैं, ऐसे हम इनको लगा देंगे। तो इस तरह से हमने डाल दिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा अब ये मिट्टी डाल देंगे, जो सोयल मिक्स हमने किया है, ये ऐसे इसको ढक देंगे हम अच्छे से, और उसके बाद जो है इसको फिर पानी दे देंगे थोड़ा सा, फिर नमी हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास लगभग ये 60-70 के आसपास फ्लावर के पौध तैयार हो जाएंगे भाई, जो हमें चाहिए इस टाइप। अब ये क्या था, हमारा 5 नंबर था, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया भाई, ये देखो। तो इसी तरह से जैसे अब ये 6 नंबर है, ये लगा दूंगी, तो ये सारे मैं तैयार कर लेती हूँ भाई, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। दूसरे ये इसका जो टेम्परेचर टाइम है वो अब अपना सही है सेप्टेम्बर में, तो ये लगा लेंगे और इनको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट धूप भी ना आए और ज़्यादा पानी भी इनको नुकसान ना पहुँचाए, तो ऐसी जगह पर रखेंगे। तो ये मैं एक बार, ऐसी जगह रख दिए हैं जहाँ पे एक तो डायरेक्ट बारिश आ जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम है बारिश का, तो बारिश सीधी इन फूलों को जो है ऊपर से तेज आएगी, लगेगी तो उखाड़ देगी, तो बारिश से भी बचे रहेंगे। दूसरे यहाँ पर सनलाइट बड़ी आराम आराम से, शाम वाली जो सनलाइट है वो आएगी एकदम से, तेज धूप भी इनके ऊपर नहीं गिरेगी, तो मैंने इन सबको यहाँ पर अब शिफ्ट कर देना है भाई। ऐसा भी हो सकता है वैसे तो कि हमारे यहाँ पे बंदर इनको कोई डिश समझ गए और सबको उखाड़ उखाड़ के देख के जाएं कि हमारे लिए कुछ प्लेट में डाल डाल के कहीं रखा हुआ है, तो वो अभी देखना पड़ेगा कहीं आप बाद में कहीं कि मैडम कहाँ गए आपके फ्लावर, तो देखना पड़ेगा अभी कब तक ग्रो हो जाते हैं, छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि सोचा था कि इनमें बनाऊंगी, ये मैंने इकट्ठे किए थे कि इसमें भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, अगर आपके पास इस तरह का कोई मटेरियल नहीं है तो इसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो सोचेंगे इसमें कुछ रखा हुआ है, वो उठाएंगे और खा जाएंगे, उठाएंगे खा जाएंगे, इसलिए मैंने इस आइडिए को क्या किया, छोड़ दिया। ये मैंने रख दिए भाई, और इनको मैं वहाँ से विंडो से देखती भी रहूँगी डेली कितने उगे हैं, तो मेरा यहाँ पे बाहर का नज़ारा भी होता रहता है, तो इस तरह से देखते रहेंगे कितने ग्रो हो गए हैं, और इनमें टाइम टू टाइम अपना पानी देते रहें, संभालते रहें भाई कि किस तरह से हैं, तो इस तरह से आपको जो है बहुत सस्ते में और आपके फ्लावर जो है आपको तैयार मिलेंगे। उसके बाद इनकी ग्रोइंग और इनकी शिफ्टिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो आपको कैसा लगा, या इसमें कुछ अगर आप अपने तरीके से लगाते तो वो तरीका है मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियोज़ को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।